हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति जेटली आज अपनी नई रेसिपी के साथ आई हूँ, मनैको बिस्किट से बिना गैस चलाए बनने वाले स्नैक्स, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। टमाटर 2 जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, शिमला मिर्च 2 ली हैं उसे भी बारीक चॉप किया है, प्याज भी 2 लिए हैं उसे भी बारीक चॉप किया है, चीज़ भी हमने 2 क्यूब्स ली हैं इसे भी हमने ग्रेट करना है, डालने वक्त हम इसे ग्रेट करेंगे, और मेयोनीज, काली मिर्च 1 चम्मच, धनिया गार्निशिंग के लिए, चाट मसाला 2 चम्मच। मैंने ऑर्गेनो लिया है, अगर आपके पास ऑर्गेनो हो तो यूज़ करें, नहीं तो आप छोड़ भी सकती हैं इसे। और भुजिया ली है मैंने, इसमें पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ किया है, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टमाटो सॉस से भी काम चला सकती हैं। पहले हम बाउल में मसाले डालेंगे, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। सारी सब्जियों को मिक्स कर लिया है, अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून मेयोनीज के डालूंगी और इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मेयोनीज भी सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें ऑर्गेनो डालेंगे 1/2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, और इसे भी मिक्स करेंगे। सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, इसमें मैंने नमक नहीं डाला है, आप भी इसमें नमक का यूज़ नहीं करें, क्योंकि मेयोनीज और हम जो पिज़्ज़ा सॉस और भुजिया का यूज़ करेंगे उसमें नमक होता ही होता है। एक प्लेट में इसी तरह आप बिस्किट सजा लें और उनके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। थोड़ी थोड़ी पिज़्ज़ा सॉस हमने लगानी है बेस के लिए, सब बिस्किट में लगाएंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। सभी बिस्किटों पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है, अब हम इस पे मसाला डालेंगे। इसी तरह सब बिस्किटों पे हम ये मसाला जो हमने शिमला मिर्च और मेयोनीज का बनाया था डालते हुए जाएंगे। अब हम इस पे ग्रेट किया हुआ चीज डालेंगे। अब चीज के ऊपर हम भुजिया डालेंगे। इसी तरह सब पे हमने ये भुजिया डालनी है। ये मेरे स्नैक्स बन चुके हैं, इसको गार्निश के लिए मैं धनिया पत्ती का यूज कर रही हूं। इन सभी को मैंने धनिया पत्ती से गार्निश कर लिया है। ये स्नैक्स बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, इसे आप भी बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं, इसे आप स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।